का ये पांचवा ईस्ट जोन चैंपियनशिप 2020 का जो होने वाला था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोरोना काल के कारण सारे कॉम्पिटिशन, सारे स्पोर्टिंग इवेंट, सारी दुनियादारी सब कुछ बंद था, तो ये हमारा स्पोर्टिंग इवेंट जो है, जो प्री नेशनल है, इसमें जो स्टेट से क्वालिफाई करता है स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप से, वो इसमें भाग ले सकता है। ओनली जो शूटर मेल फीमेल जूनियर यूथ अपने स्टेट चैंपियनशिप में मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर पाया हो, क्वालिफाई किया हो, वही ईस्ट जोन में भाग ले सकता है। ये ईस्ट जोन ही एकमात्र इन छह स्टेट्स जो ईस्ट जोन में आते हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, ये छह स्टेट्स के जो शूटर हैं, सिर्फ इसी ईस्ट जोन के माध्यम से ही वो लोग नेशनल्स जो कि अप्रैल महीने में होंगे दिल्ली में और भोपाल में, भाग किया गया है कोरोना के कारण, राइफल इवेंट्स और पिस्टल इवेंट भाग कर दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं को जो है मतलब यहाँ से क्वालिफाई करके आगे दिल्ली जा सकते हैं नेशनल्स में। प्राय 400 शूटर्स हम लोग आशा करते हैं जिनकी एंट्रीज मोटा मोटी आ गई हैं ऑलरेडी। अभी भी आज लास्ट डेट एंट्रीज का था, आज की फिगर अभी हमें नहीं मिली है। 400 शूटर इसमें इन विभिन्न प्रांतों से आएंगे इस चैंपियनशिप में। कल इस चैंपियनशिप का प्रैक्टिस डे है 11 तारीख को, 12 तारीख से हम लोग के मैचेस होंगे, 12-13 को मैचेस हैं, 14 को भी हाफ डे मैचेस होंगे और 14 को 3 बजे हमारी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी, जिसमें कि मंत्री मलाई घटक का कन्फर्म है और DRM और CO ISP और CMDCL ये लोग भी मोटा मोटी कन्फर्म हैं आने के लिए। ये चैंपियनशिप जो है हम लोग आसनसोल राइफल क्लब की तरफ से हम लोग ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। आप लोगों को प्रेस की तरफ से हम लोग को ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस माइलेज दें और पूरा कवर करें चैंपियनशिप को, ताकि लोगों को शूटिंग के प्रति आरो उत्साह बढ़े। और आप लोग तो जानते हैं ये ओलंपिक ईयर है और शूटिंग पर बड़ी नज़रें हैं कि हम लोग शूटिंग से कितने मेडल ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में ला पाएं। 4 बजे हम लोग का इनॉग्रल सेरेमनी है, ओपनिंग सेरेमनी कल शाम को 4 बजे। सब कुछ राइफल क्लब में ही होता है, हमारे हर सेरेमनी हर इवेंट राइफल क्लब में ही होता है चांदमारी। अभी शूटिंग जो है ना, गवर्नमेंट की तरफ से भी सबसे ज़्यादा आशाएं शूटिंग पर ही है। और जो गवर्नमेंट ने अभी 3 कैटेगरी बनाए हैं, एक बनाया है कि मेडल विनिंग में शूटिंग और बॉक्सिंग है सिर्फ, और बाकी जो है स्पोर्ट्स कोई है कि हम लोग मेडल प्राप्त कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं, और थर्ड कैटेगरी तो कुछ और ही है। ये 3 कैटेगरी में है, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद आशाएं शूटिंग से ही है।